सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम। मित्रों, आज हम रचनानुवाद कौमदी के 50वें अभ्यास के गृह कार्य को इस वीडियो में देखेंगे कि डॉक्टर कपिल देव महाराज जी 50वें अभ्यास में हमें क्या गृह कार्य करने के लिए देते हैं। कल की कक्षा में, गत क्लास में मैंने आपको इस 50वें अभ्यास के शब्दकोश को, धातु रूप को और ये द्वंद्व समास का नियम था, इसको पूरा विस्तार से समझा समझा करके पढ़ा दिया था। चलिएगा, अब इसी का आगे ये गृह कार्य देंगे आपको। ये लीजिएगा, गृह कार्य आपके सामने प्रस्तुत हो गया है मित्रों, महाराज जी के द्वारा बताया हुआ। उदाहरण वाक्य, एक अद्यत्वे मम गृहे हम ममाग्रजोऽनुजश्च पितरौ पितामहः पितामही पित्रो भगिन्यश्च सन्ति। अद्यत्व माने आज कल, यही होता है अद्यत्व माने आज कल। मम माने मेरे घर में, अहम माने मैं, ममाग्रजा माने मेरा बड़ा भाई, अनुजाश्च और मेरा छोटा भाई, माता पिता माने पितरौ माने माता पिता, और दादा और दादी, और तिस्रो भगिन्यश्च और तीन बहनें, थ्री सिस्टर्स, संति माने हैं। दो, अत्र राम कृष्णयोः चित्रे वर्तेते, माने यहां राम और कृष्ण के चित्र हैं, माने दो, एक राम का चित्र है, कृष्ण का चित्र है, ठीक है। तीन, पत्र पुष्प फलानि उद्याने संति, पत्ते फूल और फल उद्यान में हैं। समास ये समस्त पद दिए, वो समस्त पदों का प्रयोग दिखाया जा रहा है, ठीक है। चार, दधि घृतम प्रतिदिनम भोजनीयम, दही और घी प्रतिदिन खाना चाहिए, तो देखिए यहां समाहार द्वंद्व हो गया ये। पांच, शीतोष्णम सदा सोढव्यम, ठंडी और गर्मी सदा मन हमेशा सहन करनी चाहिए, सोडभ्य मन सहन करनी चाहिए, तो यहां पर भी समार्द्वंद हो गया, ये कल पढ़ाया था अच्छी तरह से। छह, सर्वदा पितरौ पूजनीयौ, मन हमेशा माता पिता कैसे होते हैं, पूजनीय होते हैं। सात, दुष्टाः रोगेण म्रियते म्रियताम अम्रियता म्रियेता मरिष्यति वा, दुष्ट व्यक्ति रोग से मरता है। अब देखिएगा, ये आत्मनिपद हो गया, म्रियताम लोट में भी आत्मनिपद हो गया, मरे अथवा अम्रियत माने मरा, ये भी लंग लकार है, म्रियेत विदलिंग भी लंग लकार, मरना चाहिए, दुष्ट व्यक्ति को रोग से मरना चाहिए, और मरिष्यति वा अथवा मरेगा, तो लिट लकार में परस्मै पदी है, ये कल बताया था मैंने आपको। आठ, गुरु शिष्यम धर्म उपदिशति कार्यम कर्तुम आदिशति च, गुरु शिष्य को धर्म का उपदेश करने के लिए कार्य को आदेश, अच्छा गुरु शिष्य को धर्म का उपदेश देता है और च और कार्य को करने के लिए आदेश देता है, पहले धर्म का उपदेश फिर भाई कार्य करो, कार्य करो, ठीक। नौ,
रामो वचनम उद्गिरति भोजनम च निगरति निगिरति। माने राम वाणी को बोलता है और भोजन को निगलता है। दश ईशाह सृष्टिम सृजति पापानि विसृजति। ईश्वर सृष्टि का सृजन करता है और पापों को विसृजति माने छोड़ता है, अर्थात पापों को नष्ट करता है लोगों के, क्योंकि विसृजति का अर्थ क्या दिया था यहां पर, विसृजति माने छोड़ना, पापों को छोड़ देता है। ठीक है, तो ये तो आपके हो गए उदाहरण वाक्य उन्होंने दिए। अब आपको बनाने हैं ये वाक्य, यहां पर दे रहे हैं ये 27 वाक्य दे रहे हैं, संस्कृत बनाओ, इनको बनाइएगा और उत्तर पत्रिका की वीडियो में फिर मिलान कराएंगे आपका। आगे है शुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य। ठीक है, अशुद्ध है ये और ये शुद्ध है। एक पितराह दद गिरतानी गो महिष, ये तीनों गलत है। क्या होगा, पिता रव और ये का दधि गृतम एक वचन होगा, गो महिषम नहीं हो, गो महिषम ये भी एक वचन होगा, नपुंसकलिंग। तो मरती अमरत मरिष्यते गलत है, यहाँ तो आत्मनिपद होगा और यहाँ होगा परस्मैपद, अम्रियते अम्रियता और मरिष्यते, ये आपको आराम से कर सकते हैं, क्या परेशानी है। चलिएगा नंबर चार, नंबर चार में देखिएगा लोट लंग और विधिलिंग जो ख विभाग है, ऊपर अनुवाद ख विभाग में बता रहा हूं मैं, उसको लोट में लंग में और विधिलिंग में बदलना है। ठीक है, बदलो 17 से लेकर के 27 तक, माने 4 और 7 11 वाक्य हैं, इनको लोट में लंग में विधिलिंग में बदलना है, इनका भी मैं मिलान कराऊंगा आपका। ठीक है, और है आगे बता रहे हैं महाराज जी मृद धातु के दसों लकारों के रूप लिखो, तो कल मैंने आपको उच्चारण करा दिया था, तो आप 5 के लिख लीजिएगा, 10 के नहीं लिख सकते हैं, तो 10 के लिख सकते हैं तो और सोने में सुहागा। आगे का द्वंद्व समास किसे कहते हैं, सुदाहरण लिखिएगा, तो अपने 5-4 पंक्तियों में स्वयं लिखना है, स्वयं और उसमें पढ़ाया गया उसके हिसाब से आपको मिलान करना है कि आपने सही लिखा है गलत लिखा है। ठीक है, आगे का गृह कार्य समास करो और विग्रह करो, इसका मैं मिलान कराऊंगा आपको वीडियो में। ठीक है, इसका मैं मिलान कराऊंगा। तो ये तो इस कक्षा का हो गया गृह कार्य, गृह कार्य थोड़ा ऐसा ही होता है, 5-7 मिनट में आपको मैंने कक्षा पढ़ा दी है। ठीक है, अब विशेष नहीं है, चलिएगा आगे की कक्षा में। अब अभ्यास 51 को पढ़ेंगे, एक शेष का पढ़ेंगे, अब आपको अर्थात 10 अभ्यास आपके और शेष बचे हैं, 50 तो पढ़ा दिए, 10 और बचे हैं बस। ठीक है, चलिएगा आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।